नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट और आप ये तस्वीरें देखिए श्रीलंका की। भीड़ ही भीड़ है, घुस रही है, पुलिस वालों को धक्का दे रही है, सेना के जवान भी जाने दे रहे हैं, राष्ट्रपति के महल में घुस गए हैं, राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, राष्ट्रपति के सिंहासन पर बैठ गए हैं, राष्ट्रपति के कमरों में घूम रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं और विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। ये सब कुछ याद दिलाता है 2011 की, जब तहरीर चौक पर भी, मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर भी इसी तरह का नज़ारा हुआ था। फेसबुक क्रांति हुई थी और अरब स्प्रिंग था, तो ये श्रीलंका का भी अरब स्प्रिंग है, जो कि आर्थिक महामंदी या मंदी से जूझ रहे देशों के लिए बहुत बड़ा सबक है। क्या सबक है और श्रीलंका क्यों डूबा, उसने कौन सी ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई जो उसको ले डूबी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं राजपक्षे, जो अभी फरार हैं, भाग गए हैं, उनके कुछ फैसले तुगलकी फैसले हुए थे। जैसे हमारे यहाँ तुगलकी फैसला हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि चमड़े के सिक्के चला दिए जाएंगे, राजधानी बदल दी जाएगी और कुछ इस तरह के जो फैसले लिए थे जो बड़े गलत साबित हुए। तो ऐसे ही राजपक्षे ने जो फैसले लिए जो श्रीलंका को ले डूबे। आखिर 2 साल पहले तक श्रीलंका में सब कुछ ठीक चल रहा था, करीब $8 बिलियन उनके पास विदेशी मुद्रा भी जमा थी, ठीक ठाक ह्यूमन इंडेक्स में भी वो भारत से कहीं आगे था, भारत 131वें नंबर पर था तो वो 82-83 नंबर पर था, और भी दूसरे पैरामीटर्स पर श्रीलंका बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन 2021 में राजपक्षे ने कुछ ऐसे फैसले किए, कुछ फैसले 2019 में भी हुए, जिनका नुकसान श्रीलंका को उठाना पड़ा। पहला बड़ा फैसला था इनकम टैक्स में बदलाव, तो इनकम टैक्स की दरों में बदलाव किया गया। भाई 2,20,00,000 का देश है, पहले एक वक्त था जब करीब 15-20 लाख लोग इनकम टैक्स भरा करते थे और इनकम टैक्स की दर भी 30% और कॉरपोरेट के लिए और बड़े बिजनेसमैन के लिए 40% तक हुआ करती थी। व्यक्तिगत इनकम टैक्स घटाकर 6% कर दिया गया, 6-18% की लिमिट बनाई गई। बहुत सारे लोग इनकम टैक्स के दायरे से निकल गए, 15 लाख, फिर 10 लाख, आज की तारीख में 4.25 लाख लोग ही इनकम टैक्स भर रहे हैं और इससे 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी तरह वैट 15% लगता था, इसको कम करके 8% कर दिया गया। आप कहेंगे कि श्रीलंका की सरकार ने तो जनता के भलाई के लिए किया होगा, बिल्कुल जनता की ये सोच के किया कि वो टैक्स हेवन देश हो जाएगा, विदेशी लोग पैसा लगाना शुरू कर देंगे, जैसे वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड और बहुत सारे द्वीपों में, बहुत सारे हवाई द्वीप और ऐसी जगह लोग पैसा लगाते हैं बैंकों में, लेकिन कोई बाहर से नहीं आया। इनकम टैक्स वैसे भी कम था और कम कर दिया, वैट कम कर दिया, तो लगा कि जनता आएगी बाजार में, पैसा लेकर आएगी, महंगा सामान खरीदेगी, गाड़ियाँ बिकेंगी, फ्रिज खरीदेंगे, AC बिकेंगे तो अर्थव्यवस्था चलेगी, लेकिन वैसा भी साबित नहीं हुआ। तो ये फैसला ले डूबा एक तरह से श्रीलंका को। एक टूरिज्म के कारण तो नुकसान हुआ ही था, कोविड से पहले करीब $20 करोड़ की आय होती थी जो घटकर 4-4.5 करोड़ रह गई। श्रीलंका के बहुत से लोग, जैसे भारत में केरल के लोग हैं, अरब देशों में नर्स का और दूसरा काम करते हैं, तो श्रीलंका के दोस्त यूरोप तक के देशों में काम करते हैं, तो कोविड काल में उनका व्यापार पर काम प्रभावित हुआ, नौकरी प्रभावित हुई, तो उनका भी पैसा आना कम हो गया, बहुत कम हो गया। एक और बड़ा बेवकूफाना फैसला, सबसे महान बेवकूफाना फैसला ये था कि राजपक्षे साहब को लगा कि साहब पूरी दुनिया में हमें तो अपनी अगुवाई करनी है, अपन को तो ऑर्गेनिक खेती करनी है, जैविक खेती करनी है, पूरी दुनिया को दिखा देना है, अमेरिका को दिखा देना है, यूरोप को दिखा देना है कि श्रीलंका दुनिया का पर्यावरण बचाने के लिए कितनी कुर्बानी कर रहा है। तो एक झटके में फर्टिलाइजर का आयात बैन कर दिया गया, केमिकल्स का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया, किसानों पर प्रतिबंध लगा दिए गए कि सिर्फ ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करना है। अब साहब करो आप, लेकिन 3 साल लगते हैं, पहले कम उत्पादन होता है, फिर धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता है, धीरे धीरे जो वो ज़मीन है वो जैविक खेती के लायक बनती है, लेकिन ये सब का ध्यान नहीं रखा गया। चीन से कुछ ऐसी ऑर्गेनिक खाद मंगाई गई जिसमें किसी तरह के कुछ विषाणु कीटाणु टाइप थे, जो कृषि वैज्ञानिकों ने पहले से ही आगाह कर दिया था, लेकिन राजपक्षे सरकार जो कि चीन के आगे नतमस्तक थी, झुकी हुई थी, चीन बहुत अपना टूटा बंदरगाह और दूसरी जगह पैसा लगा रहा था,
हवाई अड्डे पर पैसा लगा रहा था जो राजपक्षे परिवार को प्रिय था, उसकी बात मैं आगे करूंगा। तो कुल मिलाकर फिर क्या हुआ कि उत्पादन कम हो गया, चाय का उत्पादन खासतौर से 18% कम हो गया। चाय के उत्पादन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में श्रीलंका अव्वल नंबर पर है। केमिकल पर बैन से पहले श्रीलंका में 30 करोड़ किलो 29.9 करोड़ केजी चाय का उत्पादन हुआ था, जिसका अधिकांश हिस्सा वो निर्यात करता था और $1.3 बिलियन की आय होती थी हर साल, और ये GDP का 2% होता था। टूरिज्म GDP का 10% था, तो वो बर्बाद हुआ और चाय का उत्पादन बर्बाद हुआ, 18% कम हो गया, और उसका सबसे ज़्यादा चीन श्रीलंका को नुकसान उठाना पड़ा। बंदरगाह की बात कर रहे थे, हवाई अड्डे की बात कर रहे थे, तो कोलंबो से 270 किलोमीटर है हवन टूटा। मोटे तौर पर कहा जाता है सड़क बहुत अच्छी है, 4-4.5 घंटे में पंदा पहुंच जाता है। ये लोग तो हवाई जहाज से जाते हैं, छोटी सी हवाई पट्टी वहां थी, लेकिन 350-400 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने में, जहां कोई जहाज ही नहीं उतरता, सिर्फ राजपक्षे परिवार के लोग उतरते हैं। राजपक्षे परिवार के लोग भी ठीक ठाक है, परिवारवाद ले लूँगा, 12 लोग तो मंत्रिमंडल में शामिल है, वित्त मंत्री इनका, स्पीकर इनका, रक्षा मंत्री इनका, कृषि मंत्री इनका, जो जिसने ऑर्गेनिक खाद वाली बात कही थी, साथ 6 अन्य लोग हैं जो सरकार में कहीं ना कहीं फिट है, तो 18 लोग तो परिवार के ही हैं। तो परिवारवाद ले डूबा, एक देशभक्ति वाला राष्ट्रवाद ले डूबा, ये लोग बुद्धिस्ट सिंहली हैं, और लिट्टे को खत्म करने में राजपक्षे जब रक्षा मंत्री हुआ था बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब वो नस्लीय एथनिक जो वायलेंस है उसमें फंस गए। ईस्टर पर गिरजाघर के बाहर एक हमला भी हुआ था, तो फिर वैमनस से बढ़ गया, मुसलमान वर्सेस बौद्धिक बौद्ध धर्म वर्सेस ईसाई, और ये सब हो गया, और इसको बढ़ावा भी राजपक्षे परिवार देता रहा, क्योंकि वो लोग 60% वहाँ पर श्रीलंका में माना जाता है कि बौद्धिस्ट हैं, और जिनके पास बौद्धिस्टों का वोट मिल जाता है उनको सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता, तो ये फैसला भी खराब गया। कुल मिलाकर 30% नुकसान तो उनको प्राकृतिक कारणों से या कोविड के कारण हुआ, लेकिन 70% नुकसान हो गया खराब मैनेजमेंट के चलते चलते। GDP का करीब 200 गुना ज्यादा कर्ज ले लिया गया। अब हालत ये है कि जहां $8 बिलियन विदेशी मुद्रा हुआ करती थी, अब खाली पड़ा हुआ है खजाना। हालत यह है कि $7 लाख करोड़ कुछ अभी चुकाने थे किस्त के रूप में वर्ल्ड बैंक को, वो सरकार नहीं चुका पाई। हालत यह है कि $3 अरब का वो ऋण चाहते हैं वर्ल्ड बैंक से, और 3-3.5 अरब का IMF से चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा। मिलेगा तो किन शर्तों पे मिलेगा, और वो शर्तें कितनी भारी पड़ेंगी श्रीलंका पर। हालत यह है कि जो चावल के लिए श्रीलंका जाना जाता था, बहुत बढ़िया चावल होता था, चावल भी बड़ा सस्ता होता था, वो भी केमिकल के उपयोग पर रोक के कारण उसका उत्पादन बंद हुआ, और हाल में तो जो चावल बहुत सस्ता मिला करता था उसी के रेट, मैंने कहीं अखबारों में पढ़ा था कि करीब 100 या 200 रुपये या 250 रुपये किलो हो गए थे क्वालिटी के हिसाब से, कोई 400 रुपये किलो तक की बात कर रहा था, पेट्रोल इतना बढ़ गया। तो कुल मिलाकर ये मूर्खतापूर्ण फैसले श्रीलंका को डुबो दिया इन्होंने, और ये इससे पता लगता है, सबक ये लिया जा सकता है कि आर्थिक फैसले आग बंद करके नहीं किए जा सकते। आर्थिक हालात खराब हो तो समझदारों से राय ले लेनी चाहिए, आर्थिक विशेषज्ञों की बात मान लेनी चाहिए, विपक्षी दलों का भी सहयोग लेना चाहिए, उनके साथ मिलकर एक सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए, और राष्ट्रवाद अंधराष्ट्रवाद और ये सब आप चलाएंगे और चुनाव के चक्कर में चलाएंगे तो इससे देश का नुकसान होता है। अगर आप पॉपुलर कदम उठाएंगे बिना ये सोचे कि उससे अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर असर पड़ेगा, जैसे कि इनकम टैक्स की दरें घटाना, जैसे कि वैट में कमी करना, तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, आपकी देश की जनता को उठाना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजाओं का क्या है, प्रजातंत्र में लोकतंत्र में ये राजा ही तो हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इनका क्या है। अभी भी देखिए राजपक्षे किसका यहाँ जब भीड़ घुसी, 8-10 लाख लोग जब धरना प्रदर्शन पर उतरे थे तो कहानी क्या थी, स्विमिंग पूल था बकायदा, स्विमिंग पूल का पानी तक नहीं सुखाया गया था। भाई जनता के साथ इतना तो आप, आंख में पानी नहीं है तो स्विमिंग पूल का पानी ही हटा देते, कम से कम प्रतीक के रूप में तो रहता कि आप जनता के साथ ही। 2 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या है, 70 लाख लोग एक तरह से गरीबी
की रेखा के नीचे आ गए हैं और बड़ा संकट झेल रहे हैं। 54% इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर हो गई है, जो अगले एक आध महीने में 70% पहुंच जाएगी। तो ऐसे बुरे दौर से जो देश गुजर रहा हो, वहां परिवारवाद, आर्थिक फैसले करना, राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी दुकान चलाने की कोशिश करना, विपक्ष के लोगों की बात नहीं मानना, समझदार लोगों की बात नहीं मानना, मीडिया पर पाबंदियां लगाना, भाई मीडिया इनकी आलोचना करता था, अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले एक आलोचक जो थे वो आलोचना करते थे, तो राजपक्षे सरकार ने उनका दमन करना शुरू कर दिया, उन पर रोक लगाना शुरू कर दिया और उन पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। तो ज़ाहिरा तौर पर इन सब का नुकसान भी श्रीलंका की आम जनता को आज की तारीख में उठाना पड़ रहा है। उम्मीद है कि दूसरे देश इसका सबक लेंगे, इससे सबक लेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।